इंडियंस के खिलाफ कप्तान हार्दिक पांड्या ने क्यों नहीं की गेंदबाजी, चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे का राज। आईपीएल 2023 का 57वां लीग मैच गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच 12 मई शुक्रवार को खेला गया। इस मैच में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी नहीं की थी, जिसे देख फैंस हैरान रह गए थे। गुजरात की ओर से मोहम्मद शमी के साथ मोहित शर्मा ने शुरुआती ओवरों में गेंदबाजी की थी, जब गुजरात के असिस्टेंट कोच आशीष कपूर ने खुलासा करते हुए बताया कि अपनी चोट के चलते हार्दिक मुंबई के खिलाफ गेंदबाजी नहीं कर सके थे। सहायक कोच आशीष कपूर ने बताया कि मुंबई बनाम गुजरात के मैच से ठीक पहले ही कप्तान हार्दिक पांड्या की पीठ में मोच आई थी, इसी के चलते रिस्क नहीं लिया गया और सावधानी दिखाते हुए हार्दिक पांड्या से गेंदबाजी ना कराने का फैसला लिया गया। सहायक कोच ने आगे खुलासा करते हुए बताया कि मैच से पहले कप्तान हार्दिक पांड्या ने बैक स्टिफनेस भी महसूस की थी। मुंबई के खिलाफ खेला गया मैच गुजरात के लिए काफी अहम था। उस मैच में टीम ने बड़ा फैसला लेते हुए तय किया कि हार्दिक पांड्या इस मैच में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। तो गाइज, अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे के मैचेस में हार्दिक पांड्या हमें गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।